गाइज यार कैसे हो आप लोग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम आ गए हैं यार साईं मंदिर के पास। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये साईं मंदिर नवतपुर लख पे नहर से आप हल्का सा 2 कदम आगे बढ़िएगा उसी रास्ते में तो बस यह मंदिर आपको दिख जाएगा। और हाँ गाइज, ये हमें पता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि यार देखो, एक तो लॉकडाउन हो रखा है और ऊपर से उतना मतलब परमिशन नहीं है, पुलिस वगैरह चारों तरफ रहती है, तो फिर हम लोग निकल नहीं पाते वीडियो शूट करने, इसीलिए नहीं कर पाए। लेकिन आज मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, इसीलिए मतलब हम लोग आ गए यहाँ पे। आइए गाइस देखते हैं कैसा लोकेशन है, कैसा क्या है और कैसा मंदिर है, और ये मंदिर का रहस्य वगैरह कैसे बना, कब बना, सारा हम लोग डिटेल अंदर एक भैया उनसे लेंगे। चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, ये देखिए यही हमारा मंदिर। तो गाइस आपको ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यार। तो यार वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को स्किप ना करो, और स्किप कर दोगे तो फिर ऐसा लोकेशन मिस कर दोगे यार तुम। चलो तो चलते हैं। गाइज ये देखो, तो यहाँ से मंदिर में अंदर जाने एंट्री के लिए एक पुल बना हुआ है, जैसे कि यहाँ से हम लोग मंदिर में इंटर करते हैं। और इधर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इधर देखिए एक पुल भी है, बस इसमें अभी पानी नहीं है। चलते हैं इधर आ जाए। तो गाइस आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा सीन आता है और कैसा लोकेशन है। और आइए हम ये मंदिर का सारा डिटेल भी जानेंगे, हमारे साथ एक भैया जुड़ चुके हैं। तो गाइस भैया का नाम सिद्धार्थ है और वो हमें मंदिर का सारा डिटेल देंगे और कुछ मंदिर के बारे में भी बताएंगे। साईं राम, वेलकम टू साईं मंदिर। थैंक यू। भाई आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये मंदिर कितने दिन पहले से बना हुआ है, कब से ये मंदिर यहाँ पे है? यह मंदिर जो है अभी जो आप अभी देख रहे हैं, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2019 में बन के तैयार हुआ था। 16 फरवरी 2019 को इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था हमारे गुरु जी द्वारा, चंद्रभान सरस्वती जी, इनके द्वारा हुआ था इस मंदिर का, इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन यह मंदिर जो है एक साईं बाबा की हमारे यहाँ मूर्ति करीब 2008 से है, ठीक है। लेकिन वो पहले एक मंदिर जो था वो नीचे था, इस मंदिर के जस्ट नीचे था, और जो मूर्ति थी वो पहले यहाँ पे थी। उस मूर्ति को के बदले में यहाँ पे अभी दूसरी मूर्ति अभी यहाँ पे आ गई है और इनका प्राण प्रतिष्ठा 2019 में हुआ है। और अभी जो आप देख रहे हैं बाबा की मूर्ति, वह जयपुर से आई हुई है और प्योर मार्बल से बनी हुई है, संगमरमर की है, काफ़ी दूर से आ रहा है। और ये जितने आप टाइल्स देख रहे हैं आप, वो सबका सब वो जब जयपुर से ही आ रहा है। यह जो बाबा का चरण पादुका देख रहे हैं, यह दानापुर साईं मंदिर है, दानापुर कैंट गवर्नमेंट में, वहाँ के भक्तों द्वारा यह यहाँ पे एज अ गिफ्ट इस मंदिर को किया गया था, इसके बाद से ये यहीं पर चरण पादुका के तौर पर उनकी पूजा होती है बाबा को, क्योंकि भक्तों को छूना मना है तो भक्त चरण पादुका को छू सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो इस मंदिर के बारे में बताना चाहिए, जैसा कि ये एसी है, ये एसी मतलब एज ए गिफ्ट किसी के द्वारा दिया गया है। हाँ, यहाँ पे जिन भक्तों की इच्छा होती है अपनी शिक्षा से दान करने की, ठीक है, वो यहाँ पे दान कर सकते हैं। तो एसी जो है वह ऐसे ही एक बार आए थे, सिद्धार्थ जी आए थे, सिद्धार्थ भैया ऐसे बोलते हैं जो हमारे अभी वर्तमान के एमएलए हैं, तो उनसे ऐसे ही बातचीत के क्रम में जब उनको पता चला कि गर्मी के मौसम में आपका मंदिर होता है, तो उन्होंने बस एक सजेस्ट किया था कि मैं इसी दान कर सकता हूँ।
तो जो यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के पुजारी मतलब तो बढ़िया है, अच्छी बात है, तो उनके द्वारा यह ऐसी प्रदत्त की गई। तो भैया आप ये बताइए कि मंदिर कब मतलब उसका खुलने का समय कब है और ये बंद कब होता है? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, मंदिर की जो समय सारणी है, भक्तों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे चिपका रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5:15 में दर्शन प्रारंभ होता है, 7 बजे जो सुबह की पूजा है वो शुरू होती है, 7:40 में बाबा का स्नान किया जाता है, उसके बाद नैवेद्य अर्पण और जो आरती है उसके बाद की होती है, 12 बजे मध्याह्न आरती, दोपहर की आरती होती है, 12:30 से 3 बजे तक विश्राम होता है, गर्भगृह का कपाट जो है वो बंद हो जाता है ठीक है, और 3 बजे जो है जो बाबा का पर्दा है वो खोल दिया जाता है मंदिर का भक्तों के दर्शन के लिए। फिर 5:20 या सूर्यास्त का समय, यह समय फिक्स नहीं है, जब सूर्यास्त का समय होता है चूँकि गर्मी और सर्दी में बदलते रहता है सूर्यास्त का समय, उस समय धूप आरती होती है और उसके बाद नैवेद्य अर्पण, तत्पश्चात वितरण जो भक्तों में वितरित किया जाता है। 8 बजे जो होती है वो सेज आरती यानी कि शयन आरती इसको भी बोलते हैं ठीक है, तो यह 8 बजे होती है और 8:30 बजे के बाद 8:30 से 9 बजे तक मंदिर का कपाट रात को बंद कर दिया जाता है जो कि फिर सुबह खुलता है। और यहाँ पे ये बताइए कि कोई जैसे भक्त आकर बैठना चाहे या फिर कहीं, तो यहाँ पे कुछ सुविधा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि यह देख रहे हैं आप, जो ये बैठने का एक आसनी है यहाँ अंदर भी रखा रहता है, ये है वहाँ भी है, तो वहाँ से निकाल के कोई भक्त चाहे तो अपना यहाँ या अपना बाहर खुले प्रांगण में यहाँ बैठ सकते हैं। पंखा भी लगा हुआ है गर्मी के मौसम में राहत के लिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ साथ जैसे एक स्पिरिचुअलिटी का भी एक यहाँ इंटरेस्ट रहा है, तो हम जैसे चाहते हैं कि जो भी भक्त है जिनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो उनको हम ध्यान भी सिखाते हैं। तो ध्यान में एक विधि है अनापान की, अनापान और विपश्यना की दीक्षा नहीं दे सकते लेकिन अनापान जो है बेसिक वो हम सिखाते हैं जो भी भक्त अगर इच्छुक हैं, जिससे उनका जो मन एकाग्र हो, और ध्यान की बहुत सारी उसके फायदे हैं, आप चाहें तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान के मार्ग पर चल सके, ध्यान कर सके, ताकि उनकी जो लाइफ है जो जिंदगी है काफ़ी सुगम हो और काफ़ी बेहतर हो सके, वो भी हम सिखाते हैं। और कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर को भी अगर मंदिर का कपाट सिर्फ ये बंद रहता है, ये जो दरवाज़ा है मेन गेट जो है वो खुला रहता है ठीक है, तो कोई भी भक्त चाहे अपना यहाँ मंदिर के प्रांगण में कहीं भी बैठ सकता है। और ये यहाँ पे हवन कुंड है, इसके बारे में कुछ बताइए, जैसे ये मतलब यहाँ पे हवन कुंड कब बना और ये यहाँ पे कब कब हवन होता है? ये मंदिर के निर्माण के साथ ही इस हवन कुंड का निर्माण हुआ था, इसका निर्माण करने का जो उद्देश्य एक ही था कि जब भी जैसे हवन की बहुत महिमा बताई गई है, हवन का अलग ही साइंस है उसका कि हवन करने से क्या क्या होता है, काफ़ी ट्रिल है, जैसे शुद्ध घी से अगर आप हवन करते हैं जो लकड़ियों के साथ हवन सामग्री के साथ, तो काफ़ी वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो ये भी एक अलग साइंस है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक प्रॉपर एक परमानेंट बना दिया गया है, जिससे कोई भी भक्त चाहे तो अपना आके हवन कर सके। ऐसे पूर्णमासी के दिन यहाँ मंदिर में हवन किया जाता है, और कुछ खास अवसरों पर जैसे रामनवमी हो गया या होली का अवसर, कोई भी शुभ अवसर को देख के हम लोग हवन यहाँ पे करते हैं। जिन भी भक्त को चाहिए अगर इच्छा हो तो सुबह सुबह आके 8 बजे के आसपास आए और उसके बाद हवन में भाग ले सकते हैं ठीक है। ये स्ट्रक्चर भैया ये स्ट्रक्चर क्यों बना और यहाँ पे मंदिर में ये कब से बना, जब मंदिर का निर्माण हुआ था तभी से है या फिर बाद में इसे बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत भक्त लोग भी पूछते हैं ये सवाल को, तो मैं बता दूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये देखने आप एक छोटा सा गुंबद है मंदिर के आकार का बना हुआ है ठीक है, तो इसको बनाने का पर्पस ये था कि एक आंतरिक इच्छा है कि एक शिव भगवान का, शिव पार्वती का और एक हनुमान जी की भी मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाए। तो देखिए प्रभु की इच्छा जब भी वो आना चाहें, हमने तो एक बना दिया है, जब उनकी इच्छा हो यहाँ आ जाएंगे वो। भैया ये मंदिर कब बना? जी यह मंदिर जो है 16 फरवरी 2019 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वही जो हम लोग वार्षिकोत्सव भी मनाते हैं 16 फरवरी को हर साल। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मंदिर में यहाँ पे हर साल एक फंक्शन होता है, फंक्शन कहने का मतलब कि अखंड संकीर्तन हरि कीर्तन, जो हरे राम हरे कृष्ण का, यह 24 घंटे कंटिन्यूस चैंटिंग होता है यहाँ पे। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है यहाँ पे, तो वह करीब जो है वो 13 सालों से लगातार चल रहा है, इस साल 14वां साल होगा उसका ठीक है।
और वह कब होता है मैं ये भी बता दूं कि ये वो जो है कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा हर साल को ये अक्टूबर नवंबर के समय पड़ता है, तो उस दिन जो है हम लोग यहाँ पे अखंड संकीर्तन मनाते हैं। और उसके बाद जो है कई लोग प्रसाद भी खाने आते हैं, क्योंकि बहुत वृहद स्तर पर होता है। तो करीब लगता है कि मेरे ख्याल से पिछले बार ऐसे एवरेज के बेसिस पे हमारे 1000 के लगभग 1 से 1.5 हज़ार के लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आसपास बहुत सारे लोग आते हैं, लखपुर, नौबतपुर, कई लोग तो दूर से भी आते हैं बहुत, सिर्फ कि यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उनकी इच्छा है बल्कि। और काफ़ी जो एक इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आके यहाँ सेवा प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आए यहाँ एक बार जरूर दर्शन करें। तो गाइस वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में जरूर से जरूर बताना। और हाँ, आप यहाँ पे आना चाहें तो इसका लोकेशन है, भैया से पूछ लेते हैं, भैया इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? यह आप गूगल मैप पे सर्च कीजिएगा श्री साई मंदिर नौबतपुर, तो आपको यह जगह वहाँ पर भी मिल जाएगी। और ऐसे इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको पड़ेगा, अगर आप एम्स जैसे सब कोई जानते हैं, एम्स से सीधा साउथ की तरफ रोड आता है, वहाँ से अप्रॉक्स 10 से 11 किलोमीटर यहाँ पड़ता है और ये बिल्कुल नहर के सामने है। ठीक है, सबसे इजी पड़ेगा अगर आप गूगल मैप पे सर्च कर लें श्री साई मंदिर नौबतपुर, ऐसे सर्च करके आप आ सकते हैं। भैया धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे व्यूअर को ये जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए। आपका भी धन्यवाद कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ों को आप फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आशा है कि आप लोग और बढ़ें और काफ़ी लोगों तक आपकी पहुँच हो। धन्यवाद। आप लोग से भी एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साई राम। Thank you.